हाय डिवाइन फैमिली, आई होप आप सब अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फिर से रीडिंग करने वाले हैं और हम शुरू करेंगे अपने यूनिवर्स के चैनल्ड मैसेजेस के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स बिगिन। एक बार मैं इनको शफल कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम यूनिवर्स के मैसेजेस को देखेंगे क्या आते हैं। Let's see. Okay. Yeah. Let's spread them. Okay. You stopped speaking to them. You realized how fake they were. Oh. ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। आपने किसी से बात करना बंद कर दिया। आपको फील हुआ कि वो लोग फेक हैं, ऊपर ऊपर से प्यार दिखाते हैं, रियल लव नहीं है आपके लिए। फेकनेस आपको दिखी उनके अंदर। ट्विन फ्लेम्स, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो फ्रेंड्स। आपके जो स्पाउस हो या फिर आपके लवर, वो आपके ट्विन फ्लेम हो। पब्लिक फिगर, समबडी इज़ पब्लिक फिगर ओवर हियर। हो सकता है आप पब्लिक आई में हो, काफ़ी स्पॉटलाइट में हो, काफ़ी सारे लोग आपको देखते हो, आप सेलिब्रिटी हो। ठीक है, सो दो में नार्सिसिस्ट, हो सकता है आप किसी नार्सिसिस्ट को फेस कर रहे हो, आपने किसी नार्सिसिस्ट को डील किया हो। डिवाइन प्रोटेक्शन, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। आपको यूनिवर्स बता रहा है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। ओके, एक और ले लेते हैं। ओके, द टेबल्स हैव टर्न फॉर योर एनिमीज, वॉट एवर दे डिड टू यू इज गोइंग बैक टू देम। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू। जो कुछ भी आपके एनिमीज ने आपके साथ किया था, अब वो उनके साथ होने वाला है या हो रहा है। ये आपको यूनिवर्स मैसेज कन्वे करवा रहे हैं मेरे थ्रू। एक दो मैसेजेस और लेते हैं फ्रेंड्स। डीमंस, यहाँ पे कोई तो है जो डीमंस वगैरह के साथ वर्क करता है, ईविल एनर्जीज के साथ, नेगेटिव एनर्जीज के साथ वर्क करता है। एनिमीज गैंगिंग अप, एनिमीज आर गैंगिंग अप अगेंस्ट यू। आपके सारे एनिमीज एक झुंड बना रहे हैं। बींग सेपरेटेड फॉर बींग एलिवेटेड, आपको अभी डिवाइन ने इन सब लोगों से, या आप कह सकते हो ओवरऑल सब से, आपको सेपरेट कर दिया है, अलग कर दिया है, क्योंकि आपको एलिवेट कर रहे हैं गॉड। आपको एक पोजीशन दे रहे हैं, एक हायर पोजीशन दे रहे हैं। इस वजह से आपको जो आपके आसपास के सराउंडिंग के लोग हैं, बी इट फैमिली और बी इट कम्युनिटी या फैमिली फ्रेंड्स, उनसे आपको सेपरेट किया जा रहा है, उनसे आपको थोड़ा सा अलग रखा जा रहा है। बिकॉज गॉड की, आपकी जो डेस्टिनी है, गॉड के जो प्लान है, वो है आपको अपलिफ्ट करना, आपको एलिवेट किया जा रहा है, आपको एक हायर लेवल पर गॉड ला रहे हैं। You will be very successful. ये आपके लिए मैसेज आया है यूनिवर्स की तरफ से। आप जो भी करियर चूज़ किया है आपने, उसमें आप सक्सेसफुल होगे। ठीक है, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। और फ्रेंड्स, ये सबके लिए रेजोनेट नहीं होगी रीडिंग्स, ये मेरे सारे उन्हीं लोगों के लिए है जो एक्चुअली डिवाइनली ब्लेस्ड हैं और प्योर सोल्स हैं, जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं रखते, कभी किसी से जलते नहीं हैं, कभी किसी से कंपटीशन नहीं रखते, कभी फेक नहीं होते। अब हम अपने स्पिरिट्स और डिवाइन एंजल्स के मैसेजेस ले लेते हैं और पता लगाते हैं कि लोग आपके अगेंस्ट गैंग अप क्यों हो रहे हैं। पता लगाते हैं आपके एनिमीज़ आपके अगेंस्ट, पहले तो वो एनिमीज़ क्यों बने हुए हैं, क्योंकि आपके तो कोई एनिमीज़ आपकी तरफ से है नहीं। आप कंसिडर करते हो कि आपका कोई एनिमी नहीं है,
बट जो कोई भी आपका एनिमी बना हुआ है वो क्यों बना हुआ है, कौन है वो, तो देखते हैं। लेट्स ओके ओके, दो कार्ड्स फ्लिप हुए। सो लेट्स सी बॉटम ऑफ डेक एनर्जी, मैजिशियन। ओके सो फ्रेंड्स, हो सकता है आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हो, आप जो चीज़ सोचते हो वो हो जाती है, और वट एवर यू टच टर्न्स टू गोल्ड, है ना, आप जो कुछ भी सोचते हो वो हो जाता है। मैं ये देख पा रही हूँ, या यहाँ पे तो क्लियर मैसेज आ रहा है कि ये कोई फैमिली के लोग हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स मुझे यही बता रहा है कि ये फैमिली के लोग हैं। आप टॉरस हो सकते हो, वृषभ राशि, ठीक है, और आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, यानी कि कन्या राशि, मकर राशि और वृष राशि, ये ज़्यादा हैवी आ रहा है यहाँ पे। या आप मास्टर मैनिफेस्टर हो फ्रेंड्स, आपको बेसिकली मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी पोजीशन मिल गई है या मिलने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। नाइट ऑफ कप्स, आप काफ़ी ज़्यादा बड़ी पोजीशन पे हो, पर मतलब आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल नहीं हो, अब इमोशनली आप ज़्यादा किसी के साथ अटैच्ड नहीं हो। हो सकता है आपके साथ लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से आप काफ़ी दुखी हो, आपको लोगों ने अकेला छोड़ा, आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करी, गैंग अप किए, और जैसे कि अभी आपको आप देख रहे हो, आपके साथ आपको यूनिवर्स ने डायरेक्ट मैसेज दिया है कि आपके अगेंस्ट आपके एनिमीज गैंग अप हो रहे हैं। तो आप अभी फिलहाल मैं देख रही हूँ कि आप ज़्यादा इमोशनल गिव एंड टेक की पोजीशन में नहीं हो, आप इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो किसी के साथ, अभी आपका पूरा फोकस अपने करियर पर है, अपने पैसों को इम्प्रूव करने पर है, है ना। आप काफ़ी ज़्यादा मुझे फोकस्ड लग रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर हो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर। बेसिकली मैं ये देख पा रही हूँ कि आप जो चीज़ लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है ना, स्ट्रगल करते हैं लोग चीज़ों को हासिल करने में, आप काफ़ी ईजिली उस चीज़ को पा लेते हो, ईजिली उस चीज़ को गेन कर लेते हो, आपको चीज़ों को अट्रैक्ट करना आता है, आप चीज़ों के पीछे नहीं भागते हो, चीज़ें आपके पीछे भागती हैं, आप अट्रैक्ट करते हो चीज़ों को, यू डोंट चेज थिंग्स, यू अट्रैक्ट देम, ठीक है। सो यू आर अ वेरी पावरफुल बीइंग, यू आर अ वेरी डिवाइनली ब्लेस्ड बीइंग, आप जो कोई भी हो, है ना फ्रेंड्स। इसीलिए मैंने बोला था कि ये आपके ये हर किसी की रीडिंग नहीं है, ये बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के साथ रेजोनेट करेगा ये रीडिंग, ठीक है। So, let's see. तो ये एनिमीज आपके अगेंस्ट इसलिए गैंग अप हो सकते हैं कि ये इनको आप कप ऑफ लव ऑफर नहीं कर रहे हो, अभी फिलहाल आपका फोकस अपने ऊपर है, आप अपनी अपने वर्क पर फोकस कर रहे हो, ठीक है। या दी एम्प्रेस, अगर आप मेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो आप एम्परर की एनर्जी में हो, और अगर आप फीमेल हो तो आप एम्प्रेस हो सकते हो। ये पोजीशन आपको डिवाइन की तरफ से दी गई है फ्रेंड्स, ठीक है, और ये पोजीशन काफ़ी ज़्यादा डिवाइनली ब्लेस्ड पोजीशन है, यू कैन कंसिडर इट एज अ गिफ्ट फ्रॉम डिवाइन। बॉटम ऑफ डेक एनर्जी इज एस ऑफ पेंटिकल्स, मनी इज गोइंग टू रेन ऑन यू, आई एम टेलिंग यू, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट एंड बिलीव इन गॉड,
ठीक है, मिरेकल्स डू हैपन फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये जो कुछ लोग हैं ये काफ़ी अपसेट हैं आपके आपकी अबंडेंस को देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सैड हैं, जो गैंग अप हो रहे हैं लोग आपके अगेंस्ट, ठीक है, वो आपकी अबंडेंस को देखकर काफ़ी अपसेट हैं, बिकॉज़ ये अपनी लाइफ पर इनका फोकस कम है और आपकी लाइफ पर इनका फोकस ज़्यादा है, ठीक है। तो आपके लिए बिल्कुल क्लियर मैसेज आया है यहाँ पे भी यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है, आप इस पोजीशन में हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आ रहा है। एम्परर, यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस दोनों की एनर्जी है, ठीक है। तो आप एरीज आपका साइन हो सकता है, हो सकता है आप एरीज मेष राशि के हो, है ना, और टॉरस वृषभ राशि के हो सकते हैं आप, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है, कन्या राशि, वृष राशि और मकर राशि काफ़ी स्ट्रांग आ रहा है। सो ये फ्रेंड्स आपकी टैरो से मैंने जो डिवाइन की जो भी मैसेजेस थे आपके लिए लिए, ठीक है। सो ये मेरे उन डिवाइन बीइंग्स के लिए है जो डिवाइनली ब्लेस्ड हैं और डिवाइन चाइल्ड हैं, चोजन बीइंग्स हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। देखते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाह रहे हैं, जल्दी से एक कार्ड लेते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ एक कार्ड लेते हैं, बट वो हमेशा चार पाँच छः कार्ड्स आ जाते हैं इसमें। ओ, इस बार दो ही आए हैं, नहीं तीन आए हैं, चार आए आई टोल्ड यू चार ही आते हैं कार्ड्स इसमें। डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन आर यू नो दे बिलीव इन गाइडिंग अस टोटली, बिकॉज ये चैनल ही डिवाइन का है ना, सो इस वजह से या डिवाइनली गाइडेड चैनल है, सो इस वजह से डिवाइन स्पेशल गाइडेंस देते हैं इस चैनल पर। सो देखते हैं, ओके, जोन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रुथ या सच्चाई की आवाज़, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ persecution and speak your truth। आपको सच बोलने के लिए कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आपको निडर होकर सच बोलना है, ठीक है। जो कुछ भी आप बोलना चाहते हो और आपका जो फोकस करिए, आपका जो पर्पस है, ठीक है, अपने पर्पस पर आपका फोकस होना चाहिए, आपका जो लाइफ पर्पस है उस पर फोकस होना चाहिए। अपने डर को ओवरपावर करिए और सच बोलने के लिए कहा जा रहा है, सच्चाई की राह पर चलिए ये कहा जा रहा है, ठीक है। लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। आपकी जो डिवाइन वर्थ है ना, आप कितने डिवाइन हैं, आपको अपनी अहमियत पता होनी चाहिए, अपनी आपको कीमत पता होनी चाहिए, अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए कि आप कितने ज़्यादा कीमती हो, आप कितने इम्पॉर्टेंट हो, और जो कोई भी आपको वैल्यू नहीं करता, आपको उन लोगों से खुद को सेपरेट करना है, जैसा कि हमारे यूनिवर्स वाले चैनल मैसेजेस में आया था, है ना। तो चूज़ लविंग थॉट्स, आपको हमेशा प्यार भरे अच्छे थॉट्स ही अपने मन में लाने हैं, इस संसार के प्रति और सभी जीव जंतुओं के प्रति, जो भी हैं छोटे छोटे लिविंग बीइंग्स या ह्यूमन बीइंग्स या फिर हमारी जो एनवायरनमेंट है, ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, इनके लिए और इनके प्रति भी आपको लविंग थॉट्स लाने हैं, है ना। यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, यू आर टोटली सराउंडेड बाई एंजल्स, आप जो कोई भी हैं एंजल्स आपके बहुत करीब हैं, एंजल्स ने आपको सराउंड किया हुआ है और एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप टोटली प्रोटेक्टेड हैं,
बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड हैं। आर्क एंजल माइकल का कार्ड आया है। आर्क एंजल माइकल आपको बता रहे हैं कि आप टोटली सेफ हो और आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आपको किसी भी तरह की नेगेटिव एंटिटी टच नहीं कर सकती, आप अनटचेबल हो, यू आर अनटचेबल। एंसेस्टर स्पिरिट, एंसेस्टर्स की भी स्पिरिट है यहाँ पे, तो उनकी तरफ से मैसेज है कि आप सारे जितने भी फैमिली के जो वुंड्स हैं या जो भी पैटर्न्स थे, जो भी नेगेटिव पैटर्न्स थे, जो फैमिली में एक नेगेटिव ट्रेंड चला रहा था, वो सब कुछ हील हो जाएगा आपके थ्रू, आप उसको हील करोगे, ठीक है। तो एंसेस्टर्स की भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, आपको सच बोलने के लिए कहा जा रहा है और बहुत सारा प्यार स्प्रेड करने के लिए कहा जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये है डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। सो फ्रेंड्स, ये तो डिवाइन गाइडेंस थी, और देख लेते हैं आपके लिए क्या इनिशियल्स आते हैं, कुछ स्पेसिफिक इनिशियल्स देख लेते हैं आपके लिए, जिसको आप थोड़ा बहुत आप उससे रिलेट कर पाओ। एक दो और ले लेते हैं, ओके। क्यू, मे बी यू आर अ क्वीन, ठीक है। डब्ल्यू, ई, ओके। लेटर जी, लेटर डी, ओके। लेटर ए, देन प्लस का साइन आ रहा है, तो हो सकता है कोई हॉस्पिटलाइज हो, या आप इसको एज अ मल्टीप्लाई का साइन भी ले सकते हो। हो सकता है आपकी लाइफ में सब कुछ मल्टीप्लाई होने वाला है ना। आप इसको अबंडेंस के रूप में भी ले सकते हो, एडिंग ऑन टू योर वेल्थ। एट आपका स्पेसिफिक लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। सिक्स और मे बी नाइन, ठीक है, सिक्स और नाइन। नंबर फाइव आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, ओके। आई एम लिसनिंग वेड, प्लीज टेक इट एज इट गोज। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी रीडिंग आज की, और मैं इसी के साथ कंक्लूड कर रही हूँ इस रीडिंग को। आई होप आपको जो भी इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं वो मिल गए होंगे, एंड यस, यू विल बी सक्सेसफुल, ऑलवेज बिलीव इन इट एंड नेवर गिव अप, ठीक है। मुझे लगता है किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस मैसेज की, क्योंकि उनके लिए ये ज़रूरी है जानना। उनको मदर यूनिवर्स मेरे थ्रू मैसेज दे रही है कि आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। आप जो कुछ भी कर रहे हो, कीप डूइंग इट एंड नेवर गिव अप, और आप हताश मत होइए, निराश मत होइए। थोड़ा सा चीज़ें स्लो थी, बट यस, पेस पे आएंगी, स्पीड अप होंगी आपके लिए, और आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे फ्रेंड्स, ठीक है। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। थैंक यू।